हे भगवान, आज प्लीज कुछ भी करना, मगर उन छिछोरे लड़कों को मेरे सामने मत लाना, वरना पता नहीं मैं क्या कर दूंगी। और ये देव, देव कहाँ रह गया? उसे कुछ नहीं छुपाती, बता ही दूंगी आज सब। खुश रहो वृंदा, मेहमानों का चाय नाश्ता देख लो। जी बढ़िया। ये शादी इनके लिए बहुत जरूरी है, इसे तो ये करवा के ही रहेंगे, बिना ये जाने कि इनका मानस सबकी पीठ के पीछे क्या कर रहा है। चाय लेने जा रही हो तो मेरे लिए भी कुछ पीने को लेके आना प्लीज। और एक तो प्लीज बोल रहा हूं, व्हाट नो देन गो। वृंदा, मुझे शादी में कोई तमाशा नहीं चाहिए, समझी? इसलिए चुपचाप हमारे साथ चलो, वरना देव। आज इस बिल का किस्सा ही खत्म कर दूंगा, बहुत क्या इसका। कौन हो तुम? ए यू, तुमसे ही पूछ रहा हूं, कौन हो तुम? वीर से कपड़े क्या पहन रखे हैं? दुश्मन। देव, तू यहाँ ऐसे क्यों खड़ा है? तू ठीक है ना? तेरी तबीयत तो ठीक है, बुखार तो नहीं है ना तुझे? हाँ, हाँ, मैं खड़ा रहूं, बैठूं, कुछ कर रहा हूँ, आप इतना घबरा क्यों जाते हो? I'm fine, अपने घर में हूँ मैं। Look at me. आप भी ना माँ। अरे क्यों? अरे वो सुना आपने, केतकी आंटी बुला रही हैं आपको। केतकी? हाँ देखो। अच्छा, बिना बुलाए कैसे आ गई, यही सोच रहे हो ना? क्या करूं, मौत को कोई न्योता भी तो नहीं देता, इसीलिए बिना बुलाए मैं आ गई यहाँ अपना हिसाब चुकता करने। 25 साल पुराना हिसाब। क्या बात है, ये क्या नया डेटिंग स्पॉट ढूंढा है तुमने अपने चीटिंग बॉयफ्रेंड के लिए? मेरा बॉयफ्रेंड मंगेतर चीटर नहीं है, पहली बात तो ये। पर मैं यहाँ क्यों और किससे छुप रही हूँ, क्या तुम ये सुन पाओगे? मेरा नहीं हूँ मैं, तुम बोलोगे तो सुनूंगा, बताओ सब ठीक है? नहीं देव, कुछ ठीक नहीं है। मुझे लगता है तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया है, तभी तो ना अपना नाम बता पा रही हो ना अपनी पहचान। मेरा नाम और मेरी पहचान ही तो मिटाइए तुम्हारी मां ने। लिसन, मेरे पास तुम्हारी पापा सुनने के लिए टाइम नहीं है। वक्त ही तो नहीं है तुम्हारे पास। तुम साफ साफ बोलोगी, क्या बात है? क्या तुम सुन तो लोगे, पर तुम यकीन करोगे मेरी बात पे? ऑफ कोर्स करूंगा, हमेशा करता हूँ। सुनो सुनो सुनो, नहीं बाहर चलो पहले। हाँ ठीक है, ओके। अब क्लियरली बताओ मुझे कि हुआ क्या, क्या कह रही थी तुम? देखो देव, तुम्हें पता ही नहीं है यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, जो जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल है नहीं यहाँ। What do you mean? Hi. अरे कुछ नहीं है, मैं 2 मिनट के लिए किसी से मिलने जा रहा था, और ये औरत, मैं तो उसे जानता तक नहीं। लेकिन मैं जानती हूँ बहुत अच्छे से। Really? तो तुम ही बता दो कौन है ये, और ये यहाँ क्या कर रही है? पीछे पलट के खुद ही देख लो।
नहीं चिल्ला पाएगा तू, नहीं चिल्ला पाएगा, और तुझे बचाने के लिए भी कोई नहीं आएगा, जैसे 25 साल पहले मुझे और मेरे परिवार वालों को बचाने के लिए कोई नहीं आया था। जानना चाहता था ना कि मैं कौन हूं? तो देख, देख, एक इच्छाधारी नागिन हूं मैं। तेरे खानदान ने मेरे खानदान को मिटा दिया था, उसी का बदला लेने आई हूं मैं। हर एक अपने के मौत का बदला लेने आई हूं मैं। तुम साफ साफ बताओ ना, तब समझ में आएगा ना मुझे। देव, मैं बस तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि कल रात को जब मैं संगीत से घर वापस जा रही थी तो रास्ते में मानस ने मुझे बहुत ओश लगता है। प्रो को सब बता रही है, मैं प्रो को कॉल। प्लीज ले लीजिए। कातिलों का परिवार इतने अच्छे से याद है मुझे, कैसे उस ख्याति ने बेरहमी से मेरे घर के एक छोटे बच्चे को मार दिया था, और ऐसा करते वक्त उसके हाथ भी नहीं कांपे थे, उसका दिल भी नहीं सहमा था। ठीक ऐसे ही मेरे अपने भी रोए थे, हाथ छोड़ कर गिर गिराए थे, पर तेरी माँ को उन पर रहम नहीं आया था। तो आज भी यही कर, मेरे घर के बच्चे के खून के बदले इस घर के बच्चे का खून होगा, एक मौत के बदले एक मौत होगी, तेरी मौत। प्लीज ये मत समझना मैं तुम्हारी फैमिली के मैटर में दखल दे रही हूँ। हाँ, तो तुम ये भी मत समझना कि मैं तुम्हारी फैमिली में कुछ आपस में लड़ाई करवाना चाहती हूँ, ऐसा कुछ है। मैं नहीं चाहती तुम्हारी फैमिली में किसी के ऊपर भी कोई आफत आए, मैं सच बोल रही हूँ। Damn it! यहां तो कोई नहीं है। पर मानस तो यहीं से गिरा था, देख देख कोई तो होगा। हमारे दुश्मनों की अंत की शुरुआत हो गई है, अब हमारे बदले को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। और अब वो लुटेरे पैसे के लिए किसी नई रईस लड़की को ढूंढेंगे। और उनकी वो तलाश तुम पर आके खत्म होनी चाहिए। हाँ नयनतारा, अब तुम्हें उन घर वालों की पहली पसंद बनना है, जिसके आगे पीछे वो पैसों की लालची मक्खियों की तरफ भिंजना है, जिसे वो अपनी घर की बहू बनाना चाहे। नयनतारा, तुम्हें उस घर की नींव हिलानी है, एक एक ईंट गिरानी है। उसके लिए तुम्हें उसके दिल पे राज करना होगा जो सबके दिल पे राज करता है। उस देव पारेख के दिल में कब्जा करना है तुम्हें, उसी के जरिए उस घर में अपने लिए जगह बनानी है तुम्हें, और सबका भरोसा जीतना है तुम्हें। ठीक वैसे जैसे उन्होंने मेरे केशव का भरोसा जीता था, अब वही काला इतिहास फिर से दोहराया जाएगा। उन लोगों ने जो कुछ भी किया वो सब कुछ उनके साथ किया जाएगा।
अब खेला जाएगा असली खूनी खेल, भाग्य का जहरीला खेल। उस लड़की ने कल रात के बारे में किसी को कुछ बता दिया तो चुप कर किसी को बताने लगना चाहिए। विशाली दीदी कहाँ है? तुम लोगों ने उसको कहीं देखा है? नहीं देखा मैं। कमाल है, इतना कुछ हो गया है और विशाली दीदी का कहीं कुछ पता ही नहीं, कर क्या रही है वो? मानस अचानक बालकनी से नीचे गिर गया, वो भी अपने शादी वाले दिन। ये कोई इत्तेफाक नहीं है पंडित जी। लेकिन शनिशा नक्षत्र का रात खत्म हो चुका है, चांद अब उस नक्षत्र से बाहर है। पर मेरा परिवार अब भी खतरे से बाहर नहीं है देव, हम सब खतरे से बाहर नहीं। लेकिन वो इच्छाधारी नानी तो मर गई थी। पता नहीं, अगर वो मर भी गई होगी और उसकी बेटी जिंदा हुई, कल के बाद तो वो भी इच्छाधारी नागिन बन गई होगी। पंडित जी, इस हादसे को पूरे 25 साल हो गए, यानी उस नागिन की बेटी के ऊपर से भी श्राप हट चुका होगा। हे भगवान, मैं कहां कहां किस किस से अपने परिवार को बचाऊं? आप फिक्र मत करो, मैं उस नागिन के गांव में जाकर पता करके आता हूँ। कोई फायदा नहीं है, हम ऐसा पहले भी कर चुके हैं लेकिन वहां किसी को कुछ नहीं पता। खुशहाली बहन, इस बार मुझे कोशिश करने दीजिए। वाकई ये नागिन का काम है इस पर काबू पाना बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि आज उसने मानस को अपना शिकार बनाया है, कल हो सकता है मेरे देव को भी। नहीं, हुआ सब क्यों नहीं आया? थोड़ा पानी पी लो। नहीं, मुझे मानस से मिलना है। मुझसे डॉक्टर साहब, मेरा बेटा कैसा है? पेशेंट अब खतरे से बाहर है। आपका शुक्र, मेरा बेटा बच गया, मानस बच गया। डॉक्टर साहब, मुझे मानस से मिलना है, उससे बात करनी है। नहीं, आप उनसे नहीं मिल सकती, पेशेंट खतरे से बाहर है लेकिन होश में नहीं है, वो कोमा में है। और ये एक्सीडेंट का केस है इसलिए हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। पुलिस? आरती लो बेटा। नहीं, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आज मेरी बेटी ने अपना रूप क्यों नहीं बदला? क्या बात है? अरे जाती कहाँ हो जान? नहीं भाई, लगता है बेबी को बेस नहीं रेस पसंद है। चल, क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? प्लीज प्लीज मुझे उनसे बचा लो, प्लीज। घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब क्या होगा शादी का? इरावती, मानस अंदर कोमा में, पूरा रो लो और अगर रोना नहीं आ रहा ना तो एक्टिंग कर लो। अच्छा, जैसे आपकी आंखों से तो गंगा जमुना बह रही। चुप करो दोनों, चलो यहाँ से। चलो कुछ तो शर्म करो, क्या बोले जा रही? मानस की हालत का दुख नहीं है तुम्हें? हाँ, मानस की हालत का दुख है, पर हम पे इससे भी बुरे दिन आने वाले हैं। अगर ये शादी टूट गई तो आ गया बुरा वक्त। टूट गई शादी, तेरी जुबान निकाली इरावती, और भाभी कनिका और उसका परिवार वाले चले गए, तोड़ दिया उन्होंने ये रिश्ता। एक इच्छाधारी नागिन की बेटी होते हुए भी वो इच्छाधारी नागिन कैसे नहीं बनी? मेरी माँ का श्राप तो 25 साल के लिए था ना, तो 25 साल बाद वो श्राप हट जाना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। क्यों महायोगी बाबा, जवाब दीजिए मुझे, मेरी नयनतारा नागिन क्यों नहीं बन पाई? मेरी नयनतारा एक मामूली इंसान कैसे हो सकती है जबकि उसमें सारे गुण मेरे हैं, एक नागिन योद्धा के हैं।
लड़की का दुपट्टा वापस दो। भाई आज तो न्यू ईयर का ऑफर मिला है, एक पे एक फ्री। एक पे एक फ्री नहीं, एक से अनलिमिटेड मिलेगा। बचपन से मैंने उसे ऐसे ही पाला है, ऐसे ही ढाला है। दुश्मन उसे कैसे लड़ना है, कैसे बचना है, सब कुछ सिखाया मैंने उसे। सारे पैतरे, सारे गुण सिखाए मैंने उसे। यहाँ तक कि सपेरों से बचने के लिए बीन बजाने तक की कला में माहिर कर दिया मैंने उसे। बाबा मेरी नयनतारा में सिर्फ नागिन की लचक ही नहीं, एक चीता की फूर्ति है जो 10-10 लोगों पे भारी पड़ती है। अदाओं में रंभा से कम नहीं है मेरी बेटी, वो सिर्फ अपनी आंखों से नहीं हाथों से भी तीखे वार करती है। अद्भुत अचूक शक्तियां हैं मेरी नैन में। इच्छाधारी नागिन की शक्तियां नहीं है उसमें। क्यों बाबा, क्यों नहीं है उसके पास इच्छाधारी शक्तियां? क्या मेरी नयनतारा मेरी बेटी नहीं है? जवाब चाहिए मुझे आज। क्या सच में नयनतारा मेरी बेटी नहीं है? तारा मेरी बेटी नहीं है तो मेरी बेटी कौन है? और कहाँ है मेरी बेटी? पाताल निकल गया उसे, अश्लेषा नक्षत्र कहाँ गया उसे? चुप क्यों है? आप जवाब दीजिए। इतने सालों में मैंने इतने अच्छे से संभाल के रखा अपनी बच्ची को, उस हादसे वाले दिन भी अपने सीने से चिपका के रखा था, कुछ नहीं होने दिया उसे मैंने, फिर ये सब कुछ कैसे हो गया मोहननाथ? दिमाग पे जोर डालो बेटी, कहीं तुमने पहले ही उसे कभी खो नहीं दिया? क्या कह रहे हैं आप बाबा, मुझे अच्छे से याद है, इतने सालों में अपनी बच्ची को सीने से लगा के रखा था मैंने। उस दिन भी, उस हादसे वाले दिन, जब मैं जंगल से गुजरी थी, उस पथरीले रास्ते में जा रही थी, तब भी अपनी बच्ची को सीने से लगा के रखा था मैंने। याद है कि जब झील में भी गिरी थी, तब भी एक पल के लिए अपनी बच्ची को अपनी नजरों से दूर नहीं किया था मैंने। यही सारी बातें याद करनी है तुम्हें, क्या वास्तव में हर पल तुम साथ थी उसके? हाँ, उस दिन जब मैं झील में गिर के बेहोश हो गई थी, तब उन गांव वालों ने मेरी बच्ची को अपने पास ले लिया था। क्या तब किसी ने उसे बदल दिया? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई मेरी बच्ची को कैसे बदल सकता है? और कोई क्यों बदलेगा? कोई क्यों बदलेगा मेरी बच्ची को? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कोई कोई क्यों बदलेगा मेरी बच्ची को? हाँ, तभी बदला होगा किसी ने मेरी बच्ची को, पर किसने, किसने बदला मेरी बच्ची और क्यों किया ऐसा? और आप कहाँ थे तब? मेरा सब कुछ तो छीन लिया है आपने, मेरी बच्ची को भी छीन लिया, क्यों कर रहे हैं आप ऐसा?
भोलेनाथ, क्या चाहते हैं आप? क्यों आप साथ दे रहे उन पापियों का, मेरे दुश्मनों का? क्यों? किस बात की नाइंसाफी कर रहे आप मेरे साथ? जवाब दीजिए। बेटा, ये किया किसी ने भी होगा, किंतु इसके पीछे मर्जी तो भोलेनाथ की होगी। इसलिए देखना, तुम्हारी बच्ची की रक्षा स्वयं भोलेनाथ करेंगे, ताकि तुम उसे मिल सको। मिलाना तो होगा इन्हें, मेरी बच्ची से इन्हें मुझे मिलाना ही होगा। एक नागिन 100 सालों की तपस्या करती है, अपने ऊपर श्राप लेती है। मैंने भी लिया 100 साल की घोर तपस्या की, मैंने 25 साल का श्राप लिया अपने ऊपर, क्योंकि मैं जानती थी कि एक दिन मेरी बेटी एक इच्छाधारी नागिन बनके मेरा बदला पूरा करेगी, मेरे दुश्मनों को चुन चुन के मारेगी। इतना भरोसा था मुझे मेरे भोलेनाथ पर खो दिया मैंने वो भरोसा आज, खो दिया। इस तिलस्मी मंदिर का राज भी पता था मुझे, फिर भी उन पापियों से छुपा कर रखा मैंने, अपना वचन निभाया मैंने। पर आपने क्या किया प्रभु? सब कुछ तो छीन लिया मुझसे आपने, सब कुछ छीन लिया, मेरी आखिरी सहारा तक कुछ छीन लिया। क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ऐसा? मेरी बेटी कहाँ है मेरी बेटी? मान्यता, जिस सवाल को लेकर तुम इस मंदिर में आई हो, उसका जवाब तुम अच्छी तरह से जानती हो। तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है, कहाँ जाना है। बस वो एक ही जगह है जो तुम्हें सब कुछ बता सकती है। मायावी रेगिस्तान, मायावी रेगिस्तान, किंतु वो रेगिस्तान मृग तृष्णाओं से भरा हुआ है। वहां बड़ी सावधानी से जाना चाहिए। वहां प्रवेश करते ही तुम्हें एक तिलिस्मी किताब मिलेगी, सर्पकोश, जिसमें ब्रह्मांड के हर नाग और नागिन की जानकारी है। तुम्हारे सवाल का जवाब भी उसी किताब में छिपा है। तुम्हारी बेटी का नाम, उसका पता, सब कुछ। जो मैं पता कर ही लूंगी। अगर मेरी बच्ची बची है तो अब तक नागिन रूप ले चुकी होगी वो, और इसी इंसानों के बीच किसी ना किसी घर में होगी वो, जहां तक मुझे पहुंचना है। अवश्य ऐसे ही होगा, किंतु बेटा आज तुम माया की रेगिस्तान नहीं जा सकती, क्योंकि दिन का पहला पहर बीत चुका है। वो सफर तुम्हें कल ही तय करना होगा। मैं अपनी बेटी को ढूंढ कर ही रहूंगी, मेरा इंतकाम अधूरा नहीं छूट सकता। एक नागिन अपना बदला लेकर ही रहेगी। अब तुम्हें उन घर वालों की पहली पसंद बनना है। आराम से भाई, एक सेकेंड। तारा, वृंदा तुम बा को अंदर लेकर जाओ, मैं देखता हूँ क्या हुआ। ओके, आइए बा। क्या हुआ, व्हाट हैपेंड? क्या बताऊँ देव, आचार्य मेरा दिन ही खराब है। रास्ते में कुछ लड़के एक लड़की को छेड़ रहे थे, तो मुझे उन्हें सबक सिखाना पड़ा, और यहाँ आते मुझे कट लग गया। लड़के कौन से लड़के? कुछ गुंडे थे। अरे पर तुम्हें ऐसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी ना, पुलिस को बुलाना चाहिए था। करना पड़ता है देव, कभी कभी सबक सिखाने। All right, anyways, अंदर चलो, कुछ दवा लगा लो चोट पे। कम। आ।
इस एक्सीडेंट से पहले मानस के साथ कौन था? गाइस, तुम लोग थे ना मानस के साथ? जी इंस्पेक्टर, हम मानस को शादी के लिए रेडी कर रहे थे। कहाँ? उसके रूम में। मगर वो तो बालकनी से कूदा ना। वो कूदेगा क्यों इंस्पेक्टर साहब? मेरा मानस ऐसा नहीं है, मतलब वो ऐसा पागलपन क्यों करेगा? मुझे लगता है कि उसे किसी ने ना बालकनी से धक्का दिया होगा। इंस्पेक्टर, जब मैं मानस से मिली तो वो टेरेस की तरफ जा रहा था फ्रेश एयर लेने। आजकल के बच्चे शादी वगैरह से घुटन महसूस करते, तो मानस भी बालकनी से होते हुए ऊपर टेरेस की तरफ जा रहा था और वो सीधा नीचे आ गया। मतलब कि नीचे गिर गया बेचारा। हमारा कोई दुश्मन नहीं है, सच में है ना विशाली दीदी? हाँ, ये एक एक्सीडेंट है। हमारे बच्चों की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। मुझे भी यही लगता है, क्योंकि हादसे की जगह किसी और के होने का कोई भी सबूत नहीं मिला। थैंक यू। ओ, इसे बाद में उठाता हूं। किसने कहा था तुम्हें वहां पर लड़ाई करने के लिए? मेरे दिल ने। शायद उसे पता था कि मेरे डॉक्टर तुम बनोगे। ये लो, लगा लो। तुम भी लगा सकते हो। ओके, कहाँ है चोट? वहाँ। आर यू श्योर? मैं यस, आई एम श्योर। क्या हुआ देव? विदेशों में रहे हो, वहाँ पढ़े हो, फिर भी इतनी शर्म, इतनी झिझक। बात विदेश की नहीं है, शर्म की नहीं है, बस किसी को छूने से पहले उसकी परमिशन लेनी चाहिए। दैट्स व्हाट आई बिलीव। तो मैं परमिशन दे रही हूँ ना? फुल परमिशन दवा लगाने की। मुझे बहुत दर्द है देव, सच में। वो लगा दी दवाई मैंने। यहाँ भी। बहुत ज्यादा दर्द है। डन। क्या हुआ? आउच, माय बैक। बापरे, तुम्हारी ये हालत है तो उन लोगों की पता नहीं क्या हालत होगी जिनके साथ तुम्हारा झगड़ा हुआ है। उनकी तो और मरहम पट्टी हो रही होगी। वैसे ये मार्शल आर्ट्स तुमने सीखा कहाँ से? हमारे यहाँ सब पैदा होते ही सीख जाते हैं। तुम्हारे यहाँ मतलब कहाँ से हो तुम? कुछ में बड़ी दिलचस्पी ले रहे हो तुम आजकल। दिलचस्पी इसमें ले रहा था। तो क्या है कि मैं फुटबॉल प्लेयर था ना, तो ऐसी चोटें मुझे लगती रहती थी, तो उसका इलाज मुझे मालूम है। आई एम श्योर अब तुम ठीक होगी। मानस ने इतनी घटिया हरकतें की थी, उसे सजा तो मिलनी थी, लेकिन इतनी गंदी सजा मिलेगी तो मैंने बिल्कुल सोचा ही। ये पानी यहाँ पर। वृंदा, अरे यहाँ पानी गिरा हुआ था, देखा नहीं तुमने? तुम लड़कियों की पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, क्या करती रहती हो। वहाँ नयनतारा चोट लगा के बैठी और यहाँ तुम। तो पता नहीं ये पानी किसने गिराया है, ये साफ भी नहीं किया। वो आई एम सॉरी, वो केयरलेस मैं ही था, पानी मुझसे ही गिरा था। गलतियां लड़कियों की नहीं होती, तुम लड़कों की होती है और तुम मानते भी नहीं हो। आई एम सॉरी। ओए आह, क्या कर रहे हो? आई एम सॉरी, वो मेरी गलती है, मुझे नहीं करना चाहिए था ऐसे। एक्चुअली इट्स ओके। तुम ये सुनो, मैं खुद कर लूंगी, तुम रहने दो। थैंक यू वेरी मच। तुम्हारी वजह से एक तो इतनी जोर से लग गई है। सॉरी। बस ओके, सब ठीक है ना? नहीं, वो मुझे लग गई। ठीक। हाँ, वो मुझसे पानी गिर गया था यहाँ, उस पे वृंदा फिसल गई। कोई नहीं, अब मैं जाती हूँ। वो पानी चाहिए था बाकी लिए। या थैंक यू। यस ओके।
होना था हो गया वैशाली, ज्यादा टेंशन लेकर कोई फायदा नहीं होगा। सब लोग अपने अपने कमरों में आराम कर रहे हैं, तुम भी चलो आराम कर लो। अब चलिए मैं आती हूँ। जल्दी आना। क्या हो रहा है? क्या हो गया? क्या मानव का एक्सीडेंट हो गया, उसकी शादी टूट गई, सोचा था हमारे सपने भी। कहाँ से आएगा बैंक बैलेंस, कहाँ से लाऊं मैं पैसे, क्या क्या करूं मैं, कुछ समझ में नहीं आ रही। सो मच देख, थैंक्स अ लॉट फॉर टेलिंग। देखो मैं वेलकम नहीं कहूंगा। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी और हड्डियां तोड़वाओ। सीरियसली टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जहां तक मुझे याद है ये लड़की नयनतारा भी तो आमिर खानदान से है, मतलब देव के संग इसकी जोड़ी। वृंदा क्या हो गया? वृंदा क्या हुआ? एक्सीडेंट के बाद मानस की शादी टूट गई। पता नहीं क्या हो रहा है उस घर में, कोई ना कोई बला जरूर है उसके। मुझे तुझे वहां भेजना ही नहीं चाहिए था, वो तो बाहर गई ना, इसीलिए मैंने। कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, इट्स कोई बात नहीं। मैं पानी लेकर आती हूं। नहीं मां, मैं ठीक हूं, पानी नहीं चाहिए। तेरे बाबा से कह के ना इस घर में पूजा कराऊंगी, कहीं उस घर की बला इस घर में ना आ जाए। मैं अंदर आ सकती हूं? पड़ी मां आप यहां सॉरी, मैंने तुम लोगों को डिस्टर्ब किया। नहीं, आप माफी क्यों मांग रही हैं? वैसे भी आप कौन सा घड़ी देखकर वृंदा को बुलाती हैं? अब आइए ना, बैठिए, आइए। नहीं ठीक है। नहीं बड़ी माँ, आप क्यों आई? मैं आ जाती, कुछ काम था आपको? हाँ कुछ ऐसा ही समझ लो, तुम्हारी मदद के बिना हमारा दिन ही कहाँ निकलता है। वो तो ठीक है। तुमसे शादी के बारे में कुछ बात करनी थी। हम भी इसे शादी के बारे में ही बात कर रहे हैं कि अब इसे शादी में देर नहीं करनी चाहिए। रजत कब तक इसका इंतजार करेगा? वो वृंदा, तुम दो मिनट के लिए बाहर आ सकती हो, तुमसे अकेले में बात करें। अभी तो आपके घर से आई है। बस दो मिनट माँ, दो मिनट। चलिए। ये एक ही तस्वीर है क्या, या वाकई मैंने अपनी बच्ची खो दी? माँ मुझे लगता है हमारी चल कामयाब होने वाली है। मैं कल उस देव के साथ बाहर जा रही हूँ, हमने जैसा सोचा था सब कुछ वैसा ही होगा। ये क्या है? ये चोट कैसे लगी तुम्हें? चिंता मत करो माँ, ये चोट मैंने खुद को खुद ही लगाई है। इस चोट के जरिए तो मैं उस देव के करीब जा रही हूँ, जरूरत से ज्यादा परवाह कर रहा है वो लड़का मेरी। इस चोट पे मरहम भी उसी ने लगाया। तुम पागल हो गई? उन्हें ये सब करने की क्या जरूरत है, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हाँ तो मैं क्या करूँगा, मैं किसी भी तरह आपकी मदद करना चाहती हूँ। एक इच्छाधारी नागिन नहीं, एक नागिन की बेटी तो हूँ मैं। मुझे अपना धर्म निभाना है, मुझे कुछ भी करके कैसे भी आपकी मदद करनी है। मैं जानती हूँ तुम मेरी मदद करना चाहती हो, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मेरी मदद करना चाहती हो, पर ये तरीका नहीं है। अपने आप को तो चोट मत पहुंचाओ ना, सुन रही हो मेरी बात? एक बात समझ लो ना, मेरे लिए तुम सबसे ज्यादा कीमती हो, समझी? आइंदा अपने आप को चोट नहीं पहुंचाओगी तुम बैठो, मैं कुछ लेकर आती हूं। माँ अचानक से मेरे बचपन की तस्वीरें क्यों देख रही है? देव तुम्हारी काफी तारीफ करता है, कहता है अगर तुम ना हो तो इस घर में कोई काम नहीं होता। नहीं नहीं बड़ी माँ, ऐसा कुछ नहीं है। पा ने तो बचपन से तुम्हें देखा है, जानती हूँ। अरे मैंने भी तो तुम्हें बचपन से देखा है, तुम और देव साथ में खेला करते थे, काफी अच्छी दोस्ती थी तुम्हारी।
देव अब भी तुम्हें काफी मानता है, सुनता है तुम्हारी। नहीं नहीं बड़ी माँ, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस इतने सालों बाद लौटा है ना तो। अरे तू इसमें बुराई क्या है, दोस्त को दोस्त की बात तो सुननी चाहिए ना, वरना फायदा क्या ऐसी दोस्ती का। इन्हें क्या हो गया है आज अचानक? अच्छा देव कह रहा था तुम्हारे मंगेतर को काम की जरूरत है। उसने आपको बता दिया? क्यों छुपाना था मुझसे? अरे मजाक कर रही हूँ, मैं जानती हूँ जब शादी सर पे हो तो लड़के वालों की तरफ से डिमांड्स बढ़ने लगती है, उम्मीदें जग जाती है ना उनकी। नहीं नहीं बड़ी माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं, वो रजत ऐसा नहीं है, वो कभी दहेज की। वो ऐसा नहीं होगा, पर उसके माँ बाप तो कुछ सोचते होंगे ना, घर गाड़ी नौकरी कुछ भी मांग कर सकते। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं दहेज के खिलाफ हूँ बड़ी माँ। अरे तो इसे दहेज कहता कौन है आजकल, सब तो शगुन कह के ही मांगते हैं। और मुझे यकीन है पंडित जी भी अपनी कमाई से शगुन निकाल के लड़के वालों को देंगे ही देंगे। नहीं बड़ी माँ ये तो बिल्कुल गलत है, और मैं गलत का साथ बिल्कुल नहीं दूंगी, ये मैं होने नहीं दूंगी। मैं भी कोई गलत काम नहीं करना चाहती, पर क्या करें बेटा, माँ बाप अपने बच्चों को सिर्फ सेटल होते देखना चाहते हैं। अब मुझे ही देख लो, मैं भी देव और नयनतारा को साथ देखना चाहती हूँ। मैंने देखा है दोनों एक साथ कितना खुश रहते हैं, तुमने भी देखा है ना? हाँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उसे इस रिश्ते के लिए मनाओ, नयनतारा उसके लिए बिल्कुल सही लड़की है, इस बात का उसे एहसास कराओ। मैं जानती हूँ तुम उसकी अच्छी दोस्त हो तो उसका अच्छा ही चाहोगी। हाँ बड़ी माँ उसमें तो कोई शक नहीं है, पर देव क्या चाहता है वो भी तो जानना जरूरी है ना। वो मैं जानती हूँ, मैंने उसकी आंखें पढ़ ली, मैं माँ हूँ उसकी, तुम बस उसे इस रिश्ते के लिए मनाओ। ठीक है बड़ी माँ, अब आपने बोला है तो मैं कोशिश तो जरूर करूंगी अपनी तरफ से। कुछ भी करके मुझे नयनतारा की जोड़ी अपने देव के साथ बनानी है, ताकि जो पैसे कनिका नहीं लाई वो कम से कम नयनतारा तो लाए। थैंक यू। मानस बड़ी तू ठीक हो जाएगा, जल्दी ठीक हो जाएगा, तू सुन रहा है ना मेरी बात, यू बी फाइन। एंड आई स्वेयर टू गॉड जिसने भी तेरे साथ ये सब किया है ना मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, आई प्रॉमिस। हेलो। हाय, तुम्हारी याद आ रही थी तो एक्सक्यूज मी, कर लूं, कैसे हो? और नयनतारा मैं इस वक्त मानस के साथ हूं हॉस्पिटल में, आई विल कॉल। ओह या, कैसी तबीयत है उसकी अब, कुछ पता चला, होश में आया? नहीं अभी तक होश नहीं आया है और बता नहीं सकते कब तक आएगा। मैं बता रही हूँ ना, वो अब कभी होश में नहीं आएगा। देवायनो तुम्हारे लिए बहुत डिफिकल्ट टाइम है, पर तुम्हें अपने आप को चेयर अप करना पड़ेगा। तुम ऐसे स्ट्रेस में रहोगे तो घर वालों को कैसे संभालोगे? हाँ नहीं, एक काम करो, लेट्स मीट टुमारो, मुझसे मिलो, घर के बाहर निकलो। आई डोंट नो व्हाट यू डोंट नो देव, स्टे पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव रहोगे तो तुम्हारे आसपास सब पॉजिटिव होगा। लिसन नयनतारा, पता नहीं मेरा मूड नहीं है कहीं जाने का, इसलिए कल सूफी कॉन्सर्ट है रिवर साइड अटोरा के पास, चलना है? मैं रजत के साथ आ रही हूँ, तुम भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आ जाओ। हेलो देव, कहाँ हो? एक्चुअली नयनतारा यू आर राइट, मुझे पॉजिटिव रहना चाहिए, तो तुम सूफी कॉन्सर्ट चलोगी मेरे साथ कल? सूफी कॉन्सर्ट क्यों, तुम्हें पसंद नहीं? नहीं पसंद है, आई विल सी यू देयर टुमारो। ओके देन।